नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की मिट्टी से निकली एक और अदाकारा जिसने बिहार का नाम ऊंचा करने में अहम योगदान निभाया है। अक्सर बिहारियों को लोग निजी नजरों से देखते हैं, या यूं कहें बिहारियों को लेकर लोगों में एक अलग ही धारणा बनी हुई है। लेकिन बिहार से निकली कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ लोगों के मन में बिहारियों के लिए बने धारणा को भी गलत साबित करने में अहम भूमिका निभाई है। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे श्रीति झा की। श्रीति झा मूल रूप से बिहार की निवासी है। श्रीति का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 26 फरवरी 1986 में हुआ था, मगर श्रीति झा का पालन पोषण कोलकाता में हुआ था। श्रीति अपने जन्म के बाद ही कोलकाता शिफ्ट हो गई थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के 10 साल गुजारे थे। 10 साल कोलकाता में रहने के बाद श्रीति काठमांडू चली गई थी। उसके बाद श्रीति दिल्ली जाकर रहने लगी, जहां उन्होंने अपने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। श्रीति ने अपने प्रारंभिक शिक्षा लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से ली। वहीं उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई श्री वेंकटेश्वर कॉलेज नई दिल्ली से की है। वहीं अब अगर हम श्रीति के अभिनय जीवन की बात करें तो श्रीति ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में डिज्नी इंडिया के एक ड्रामा शो धूम मचाओ धूम में बतौर मालिनी शर्मा के किरदार से की थी। उसके बाद उन्होंने जिया जले सीरियल में सुनैना कोटक का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, श्रीति झा को कविता लिखने और पढ़ने का भी बहुत शौक है। इसके अलावा श्रीति को डांस करना भी बेहद पसंद है। इसी का प्रमाण है कि श्रीति झा ने नचले विद सरोज खान में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद साल 2009 में श्रीति को स्टार प्लस के एक शो शौर्य और सुहानी में काम करने का मौका मिला था। लेकिन श्रीति को इंडस्ट्री में पहचान उनके ज्योति सीरियल में सुधा शर्मा के किरदार से मिली। वो कहते हैं ना कि बतौर अभिनेत्री बस आप उस एक परफेक्ट कहानी का और रोल का इंतजार करते हो, जिससे कि आप अपनी जगह और पहचान इंडस्ट्री में बनाने में कामयाब हो पाए। ये वही मौका था श्रीति के लिए। इस सीरियल में श्रीति ने सीरियल की लीड एक्ट्रेस ज्योति की बहन का किरदार निभाया था, जो कि आत्मविश्वास रहित और डरी सहमी होने के लिए जानी जाती थी। साथ ही साथ श्रीति उर्फ सुनंदा शर्मा को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। इस सीरियल के बाद श्रीति की किस्मत मानो चमकी गई। उसके बाद श्रीति ने अपने जीवन का दूसरा हिट सीरियल टीवी को दिया, और वो सीरियल था सौभाग्यवती भव। इसमें श्रीति ने घरेलू हिंसा के शिकार एक महिला का रोल प्ले किया था। इस सीरियल में उनके साथ करण वीर बोहरा ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जो कि इस सीरियल में श्रीति के पागल आशिक बने थे। उसके बाद श्रीति ने अपने करियर में एक के बाद एक हिट्स दिए। श्रीति को सबसे खास बात यही है कि श्रीति ने कभी भी एक ही जैसा रोल नहीं निभाया है, इसीलिए इंडस्ट्री में श्रीति को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और जाना भी क्यों ना जाए, श्रीति ने हर तरह का किरदार निभाया है। फिलहाल श्रीति काफी समय से कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा का रोल प्ले कर रही है, जहां भी उनके फैंस उनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश और उत्साहित है। आपको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि श्रीति को प्रज्ञा रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल से नवाजा भी गया है। आपको बता दें, श्रीति इस सीरियल का हिस्सा साल 2014 से लेकर अब तक बनी हुई है। इसके अलावा श्रीति को उनके उम्दा परफॉर्मेंस के लिए और भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि गोल्ड अवार्ड फॉर फेस ऑफ द ईयर, फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही श्रीति को इंडियन टेली अवार्ड्स ने भी शब्बीर आलूवालिया के साथ बेस्ट जोड़ी कैटेगरी के लिए सम्मानित किया है। श्रीति का पालन पोषण भले ही बिहार में ना हुआ हो, मगर जन्म तो श्रीति का बिहार के प्रांगण में ही हुआ था, इसीलिए श्रीति को हर बिहारवासी अपने राज्य का नाम रोशन करने वाले की सूची में देखते हैं। श्रीति की इन उपलब्धियों से हर बिहारवासियों को उन पर नाज है। और तो और, श्रीति उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों को पूरा करने से कतराती है तथा अपने मनमर्जी फील्ड को नहीं चुन पाती है। यकीनन श्रीति ने अपने काम से बिहार का नाम हमेशा ऊंचा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।